हाय किड्स, हाय सर। देखो आज हम आपको क्या सिखा रहे हैं, एक क्यूब बनाना। ठीक है, यस सर। क्यूब की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है? बराबर। अब उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको एक स्क्वायर पेपर लेना है, ऐसा स्क्वायर पेपर। ठीक है सर, एक स्क्वायर पेपर ले लिया हमने। अब स्क्वायर पेपर बनने के बाद आपको क्या करना है, ये जो पेपर है इसके फोल्ड करने हैं। ठीक है, ये हो गया एक फोल्ड, और ये हो गया दूसरा फोल्ड। ठीक है, बराबर बराबर फोल्ड करना है, ये ध्यान रहे। ठीक है, अब देखो जब आप इसको फोल्ड करोगे इसमें तीन लाइंस आ गई है, वन टू और थ्री। अब देखो आपको क्या करना है, इस वाले पोर्शन को मोड़ना है पहली वाली लाइन पे। यस सर, मोड़ लिया, और सेम दूसरी साइड से भी मोड़ लिया। मोड़ लिया, ओके। अब देखो इस वाले पोर्शन को मोड़ा सेंटर वाली लाइन पे, और इधर वाले पोर्शन को भी मोड़ा सेंटर वाली लाइन पे। ठीक हो गया, मुड़ गया। अब देखो अब क्या करना है, अब जो ये वाली जो लाइन है इस वाली लाइन पे मोड़ा इसको, ठीक हो गया, और इस वाली लाइन पे मोड़ा इसको। ठीक हो गया, क्लियर है ये और ये। ठीक है, अब देखो जब आपने इसको मोड़ लिया है, अब आपको इसको इसके अंदर फोल्ड कर देना है। ठीक है, ऐसा दिखना चाहिए ये। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है आपने ऐसे मोड़ा था, इसको इसके अंदर घुसाना है यहाँ पे से। हो गया, अभी लॉक हो चुका है, अभी खुलेंगे नहीं, पहले ये खुल रहे थे ना, अभी खुलेंगे नहीं। ठीक हो गया, इसको पलटा, और इससे फिर हमने एक बनाना है क्या, स्क्वायर। एक स्क्वायर बनाना है, इस वाले पोर्शन को मोड़ा यहाँ पे, और इस वाले पोर्शन को मोड़ा यहाँ पे। क्लियर है, ठीक हो गया। एक इसका फ्लैप ये, और एक इसका फ्लैप ये वाला। क्लियर है बिल्कुल, ठीक हो गया। एक बार फिर से बताऊं, नो चलो ये हो गया। अब देखो ये कितना है, ये एक कागज से बनाया हमने, जिस कागज से आपने ये बनाया है सेम आपको ऐसे ही कितने कागज चाहिए, कितने फेस होते हैं एक क्यूब के, सिक्स। तो सिक्स पेजेस चाहिए हमको ऐसे। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं ऐसे, ये देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो देखो ये पोर्शंस हैं, इन पोर्शंस के अंदर इनको पुश करना है। ठीक हो गया, ये देखो, ठीक है, हो गया। कोशिश करनी है कि आप जो पेपर लें वो पेपर कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा हार्ड। अगर हार्ड पेपर होगा तो आप क्या करोगे, इनको जल्दी से जल्दी इसके अंदर पोस्ट कर पाओगे। ठीक हो गया सर। ठीक है, हो गया सर। हो गया, और ये लास्ट वाला बचा हुआ है हमारे पास। अब ठीक हो गया, यस सर। हो गया पूरा ये क्यूब, यस सर। रेडी है बिल्कुल, यस सर। ठीक है, अब देखो जो ये क्यूब हमने बनाया है, इस क्यूब के बेसिस पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है आपकी बुक में। ठीक है, उन क्वेश्चंस को देखते हैं। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में, अभी हमने जो क्यूब बनाया है, हाउ लॉन्ग इज द साइड ऑफ योर क्यूब। अब देखो जरा एक बच्चा नाप के बताओ इसके साइड, क्यूब की साइड लो आपको बताओ, देखो कितनी है इसकी एक साइड, फोर, कितने हो गए 4 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब्स कैन बी अरेंज्ड अलोंग इट्स लेंथ। अब वो ये बोल रहे हैं कि इसकी लेंथ पे हम कितने सेंटीमीटर के क्यूब्स अरेंज कर सकते हैं, कितने। अगर हम एक एक सेंटीमीटर के क्यूब लें तो इस जो ये लंबाई है, लंबाई पे कितने क्यूब्स आएंगे इसके, फोर, सिंपल है। विड्थ पे फोर, हाइट पे फोर। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं आंसर थिम्पूज क्वेश्चंस, टू मेक द फर्स्ट लेयर ऑन द टेबल हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब्स विल आई यूज। अब वो बोल रहे हैं कि जो ये हमने बनाया है, जो ये क्यूब हमने बनाया है, इस पे इसकी जो ग्राउंड की जो लेयर है, अब देखो इस पे अगर एक एक सेंटीमीटर के क्यूब लगाते हैं तो कितनी लेयर्स आएंगी इसमें, फोर लेयर्स आएंगी। तो ग्राउंड ही ग्राउंड पे हमको इस साइड में कितने लगाने पड़ेंगे, फोर, इस साइड में फोर, तो टोटल कितने हो गए, टोटल ग्राउंड ही ग्राउंड पे कितने हो गए, 16। तो कितने हो गए 16। हाउ मेनी सच लेयर्स विल आई नीड टू मेक अ पेपर क्यूब। अब वो बोल रहे हैं कि ऐसे कितने लेयर्स चाहिए होंगे हमको, नहीं लेयर्स, एक लेयर जो आ गई ना, 16 की एक लेयर आ गई, तो ऐसी कितनी लेयर आनी है, फोर।
सो द टोटल सेंटीमीटर क्यूब, सो कितने हो गए टोटल, कितने हो जाएंगे अब तब वो 64. द वॉल्यूम ऑफ द पेपर क्यूब इज सेम एज 10 सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम कितना हो गया आई थिंक, कितना निकल गया उसका, हाँ 64. सिंपल तो है, चार चक्को 16 चक्को 64. पहले वाले क्यूब्स वाला किया था ना हमने, तो उन क्यूब्स क्योंकि अगर हम इस जो ये हमने बनाया है जो ये क्यूब, इस क्यूब के अंदर हम अगर क्यूब्स को भरेंगे एक एक सेंटीमीटर, तो कितने क्यूब्स आ सकते हैं इसके अंदर, 64. सिंपल है, समझ आई सर?